16,108 रन में सारा सोना रख दिया। कृष्ण अभी भारी सोना का पत्ता ऊपर पड़ा है। सत्य मंगल कई रुक्मणी को कहा, एक गलती हो गई, मैंने आपसे ईर्ष्या करके नारद को कृष्ण को वश में करने के लिए कहा था और उसने मुझसे कृष्ण ले लिया। अब संकट ये है कि वो कहते हैं वापस तब दूंगा जब इसको तोड़ के सोना देंगे। तो रुक्मणी मुस्करा के सोने को निकाल दो, एक तुलसी का पत्ता लाओ, बस इस पलड़े में रखो, आप देखो क्या होता है चमत्कार। वो तुलसी का पत्ता रखा तो तुलसी के पत्ते वाला पलड़ा नीचे गया, कृष्ण ऊपर चला गया और कृष्ण को वापस खरीद लिया। तो भक्त वत्सल भगवान को तुलसी के पत्ते के बदले में खरीदा जा सकता है। अद्वैत आचार्य को ये श्लोक मिला, ये श्लोक के आचार्य करे न विचारण, इस श्लोक का आचार्य ने विचार किया, कृष्ण एक तुलसी जल दे यही जन, कृष्ण को एक तुलसी दल दे देना है बस। तार ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, कृष्ण और इसने मुझे एक तुलसी दल दिया, इसके बदले में मैं इसका क्या दूं, मेरे पास है क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जल तुलसी रे सम किछु घरे नहीं धन, कौन ऐसा गरीब है जिसके घर में एक तुलसी का पत्ता और एक जल का चलु भर जल, एक चम्मच जल नहीं है। इसका मतलब सब भगवान को पा सकते हैं। तभी आत्मा वेची करे ऋणेर शोधन, तभी कृष्ण कहता है मैं इसका कर्जदार हो गया, ऋणी हो गया, अब मैं अपने आप को बेचता हूं इसके बदले में। एत भावी आचार्य करे न आराधन, बस बोला यही रास्ता है कृष्ण को धरती पे बुलाने का। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, हर दिन गंगा जल और तुलसी मंजरी को लिया, कृष्ण पाद पदम भवि करे संपन्न समर्पण। ओ सालंग्राम शिला उसके ऊपर तुलसी डाले और जल डाले और उसको समर्पण करने लगे। कृष्ण पाद पदम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भावी करे समर्पण। कृष्ण आवाहन करे करिया हुंकार, यही मते कृष्ण न करी नावतार, और कृष्ण का आवाहन करना, एक होता है इनविटेशन आए ना आए उसकी मर्जी, लेकिन एक होता है आवाहन, आना ही पड़ेगा, रोका नहीं मना नहीं कर सकते, आवाहन को इनकार नहीं कर सकते, आवाहन किया आओ आओ कृष्ण आना पड़ेगा, आपने वचन दिया है, मैंने तुलसी दल दिया है, जल दिया है आपको, आप तो इसका कर्ज आप कैसे उठाएगा, आपको आना पड़ेगा। चैतन्य अवतार यही मुख्य हेतु, भक्त रे इच्छाए अवतार धर्म सेतु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मुख्य कारण ये है, और भक्तेर इच्छाए अवतार धर्म सेतु, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए धर्म का सेतु, ब्रिज ऑफ द रिलीजन बनने के लिए चेतना महाप्रभु का अवतार हुआ। प्रोटेक्टर, धर्म सेतु का मतलब धर्म का रक्षक। ये श्लोक का अर्थ कही संक्षेप सार, भक्त इच्छा कृष्ण सर्वावतार। ये मैंने अभी तक आपको चेतन महाप्रभु के अवतार का बाहरण कारण सुनाया है। कविराज गोस्वामी कहते हैं यही श्लोक अर्थ ये आपको बताया। चतुर्थ श्लोक अर्थ भैरा सुनिचिते अवतारिण भैरा गौरव प्रेम प्रकाशित, ये जो चौथा श्लोक है उसका मैंने आपको व्याख्या सुनाया, यही चेतना महाप्रभु के अवतार के बाहर के कारण है। और फिर कहते आप भी बोलिए, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आसा, चेतना चरित मत चेतना चेतना चरित मत कहे कृष्णदास। यहां हमारा तीसरा अध्याय आज दो दिन में पूरा हुआ, कुछ बीच के श्लोक जो थे हमने उसको कॉम्पैक्ट कर लिया, तो यहाँ आज की कथा को विराम देते हैं। कोई प्रश्न है? अब चौथा अध्याय है भगवान श्री चेतन महाप्रभु के अवतार के बाह्य अंग कारण, और इसका पहला श्लोक पढ़ लेते, टाइम पड़ा है लगता है थोड़ा। श्री चैतन्य प्रसादेन तद रूपस्य निर्णयम्
रूपस्य विनिर्णयम् बालो अपि कुरुते शास्त्रम् दृष्ट्वा वृक्षविलासिनः। इसका शब्द अर्थ प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद श्री चैतन्य प्रसादेन, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तत् भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में रूपस्य, उनके रूप का विनिर्णयम्, कंप्लीट डिटर्मिनेशन, विनिर्णयम्, निर्णय विनिर्णय, विनिर्णय पूरा निर्णय, कंप्लीट डिटर्मिनेशन। बाल है, छोटा बच्चा भी, अनजान भी, अपि कुरुते कर सकता है, शास्त्र शास्त्रों का दृष्टवा देखा, वृज विलासिन, जो वृज के भाव का रस आस्वादन करता है उसको समझ सकेगा। By the mercy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, even a foolish child can fully describe the real nature of Lord Krishna, the enjoyer of pastime of Vraja, according to the vision of the real scripture. Chaitanya Mahaprabhu ki kripa se koi bhi bachcha, balak balki, Sri Krishna ke Vrindavan ki leelaon ka शास्त्र के अनुसार वर्णन कर सकता है। प्रभुपाद जी के पहला, जो प्रभुपाद के पहले शिष्यों में जो विवाह कराया था श्याम सुंदर और मालती का, उनके घर में बेटी हुई थी सरस्वती। प्रभुपाद जी पूछे, सरस्वती कृष्ण कौन है? तो वो छोटी बच्ची कहते, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। चैतन्य महाप्रभु कहते, प्रचार करना कौन सा मुश्किल है, सरस्वती भी प्रचार कर सकती है। तो ये है चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कमाल, के छोटी बच्ची भी कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, गोपीजन वल्लभ कृष्ण के तत्व का, शास्त्र के बिना पढ़े शास्त्र के प्रमाण का प्रचार कर सकता है। प्रभुपाद ने लिखा है, वन कैन असर्टेन the meaning of the Sanskrit shlok only when one is endowed with the causeless mercy of Chaitanya. Lord Sri Krishna, being the absolute personality of Godhead, cannot be exposed to the mundane instrument of vision. He reveals the right not to be exposed to the intellectual feast of the non-devotees. Notwithstanding this truth, even a small child can easily understand Lord Krishna and his natural pastime in the land of Vrindavan by the grace of Chaitanya Mahaprabhu. इसका अर्थ है कि राधा का भाव कृष्ण की प्रति कौन सा था, जिसको जानने के लिए बड़े बड़े विद्वान मूर्खता कर बैठते हैं, समझ नहीं पाते हैं। मैं ऐसे बहुत बड़े सन्यासियों को जानता हूं जो कहते हैं कि राधा के साथ कृष्ण का फोटो हमारे साथ नहीं लाना, हमें स्त्री को नहीं देखना चाहिए। मैं देखा है, उनकी बुद्धि में अब ये राधा कृष्ण के लीला का समझना संभव ही नहीं है। बड़े बड़े विद्वान वेदांत का पढ़े हुए, उपनिषदों का अध्ययन किए हुए नहीं समझ सकते, परंतु छोटा सा बच्चा भी चेतना महाप्रभु में कृष्णा हो जाए, कृपा हो जाए, तो राधा कृष्ण के दिव्य शुद्ध निर्मल प्रेम के भाव को समझ सकता है। ये इस सारे अध्याय का सारांश है। इसका मतलब चेतना महाप्रभु राधा रानी के प्रेम और महिमा और उसके भावों को इस दुनिया में प्रकाशित करने के लिए अवतार लेकर आए थे। तो ये हमारा कल का श्लोक रहेगा, और इसके लिए ये संस्कृत का श्लोक है। सातवां श्लोक कौन है इसका, आया नहीं।
मूल श्लोक अर्थ अर्थ दागी थे आगे कहिए शाबाश, ये बाद में आएगा क्योंकि लंबा चौड़ा जाना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ कथा को विराम देते हैं, आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्छी बातें हैं इसमें, कल इसका चर्चा करेंगे। वो श्लोक कहाँ है कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय।